नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, निबंध लेखन आठवीं नौवीं दसवीं तीनों कक्षा में आता है, गुजराती में भी आता है। वैसी तरह का निबंध मातृप्रेम माँ शब्द से बना हुआ, माँ शब्द का विस्तार इतना बड़ा बढ़िया होता है जिसका उच्चार भी हम स्पष्ट नहीं करते। जितने माँ शब्द की का विस्तार शब्द का, उतनी ही माँ शब्द की विशालता। माँ शब्द का सच्चा उच्चार को जो नन्हा छोटा सा बच्चा होता है, वह नन्हा छोटा बच्चा जब माँ शब्द रोते बिलकते हुए मुंह से निकालता है और जिस तरह उच्चार करता है माँ, वैसी तरह का शब्द, वैसी तरह के माँ के शब्द की विशालता। माँ शब्द जैसे मुंह से निकलता है तब हमारे समक्ष एक ऐसी दिव्य मूर्ति स्थापित हो जाती है, जैसे जिस वजह से माँ की माया और ममता का कोई और छोर नहीं होता। माता की गोद में बैठने से ऐसा कहा जाता है कि त्रिलोक तीन यानी कि त्रिलोक का सिंहासन पर बैठने का सुकून आनंद हमें माँ शब्द से मिलता है। इसी कारण कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गर्हेषु। वैसी तरह के कई कोटेशन माँ शब्द के लिए, और वैसी तरह के माँ शब्द के कोटेशनों के जरिए देखा जाए तो माँ शब्द की बहुत बड़ी विशालता होती है। माँ शब्द तो माँ का स्नेह माता के साथ जुड़ा हुआ होता है, वह अकेले मनुष्य में ही होता है वैसा नहीं, दुनिया के हर एक जीव में होता है। पशु पक्षियों में भी उनके उत्कृष्ट उच्च कक्षा के दृष्टांत यानी कि उदाहरण हमें देखने को मिलता है। जैसे बंदर बंदरिया का जो छोटा सा बच्चा होता है वो माँ की पेट से उसके उदर से वैसी तरह लिपका हुआ यानी कि चिपका रहता है, वह माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिल्ली भी कहा जाता है कि उनके बच्चे आंखें खोलते हैं तो उसके पहले उसे सात घर का मुआवजा करना पड़ता है, सात जगह फिरना घूमना पड़ता है। वैसी तरह बच्चे बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर अपने मुंह में दबोचकर उसके गले से मुंह पकड़कर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, लेकिन उसके शरीर पर एक जरा सी भी खरोच नहीं आने देती। वह दांत के चिन्ह निशान उसके शरीर पर नहीं होते। वैसी तरह कुतिया भी, कुतिया अपने बच्चे को जन्म देती है लेकिन वहाँ पर से हिलती डुलती नहीं, वह वहाँ पर उसकी सुरक्षा करती है, उसके खिलाने पिलाने की व्यवस्था करती है, वह उसके पास नज़दीक कोई जाए तो उसे वहाँ पर भटकने भी नहीं देती, उसे काटने करती। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कांगर, उसकी पेट में उदर में जो थैली होती उसमें उसे अपने बच्चे को साथ लेकर घूमती। गोरैया यानी कि चिड़िया पक्षी, वह खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को कहीं से दूर दूर से पानी या जो दाना चुप कर लाती है और लाकर उसके मुंह में डालकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती। वैसी तरह माँ की ममता प्रेम वात्सल्य है, उसका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़। जैसे कहा जाता है गुजराती में घोटाट करने कहा है कि जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे, जननी जो सखी नहीं जड़े रे, यानी कि जननी ना जेऊ जननी की तरह का कोई भी उसकी तुलना उसके साथ किसी भी नहीं, किसी भी की तुलना जननी के साथ नहीं की जा सकती। वैसी तरह पशु पक्षियों में भी प्राणियों में भी हमें अपने बच्चे और माँ के प्रति की उनकी तुलना
देखने को मिलती है। वह माँ अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने जान की बाजी लगा लेती है, यानी कि कुर्बान हो जाती है, लेकिन वह बच्चे को बचा लेती है। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। गिर के जंगल में देखा जाए तो शेर के जबड़े से भी अपने बच्चे को बचा लेती है, शेर के मुंह से भी अपने बच्चे को बचाने का साहस जो करता है तो वह मार कर सकता है, पर खुद मरने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बच्चे पर आंच आने नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि अप्रतिम, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, वैसी तरह का कोई जोड़ न हो, वैसी तरह का माता का यानी कि मातृ का प्रेम संसार में माँ के प्रेम के सामने सब रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं। जब माँ बच्चे को उसके चेहरे पर हंसी खुशी यानी कि मुस्कुराहट देखती है तो माँ को स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग का आनंद मिलता है। और जब बच्चा रोता है, ककड़ता है, बिलखता है, तब माँ उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके दुख को सह नहीं सकती। जैसे गुजराती में कहा जाता है कि बीना मो सुई सुका मो सुवाड़े, जब बच्चे को वह खुद उसके कष्ट झेल लेती है कि रात के अंधेरे में यानी कि वह जो उन्होंने पथारी यानी बिगाड़ी हो तो वह उस जगह पर वह खुद जाती है और सुखी जगह पर वह अपने बच्चे को सुला देती है। वह बच्चे की खुशी के लिए हर सुख हर आनंद को ठोकर मारकर बच्चे के दुख दर्द की तरफ चली जाती है। जब वह बच्चे को अपनी बाहों में ले लेती है, उसे दुलार प्यार करती है, उसे चूमती है और वह तब उसका मन आनंदित हो जाता है, खुश खुशहाल हो जाता है। बच्चा फिर चाहे भी जैसा भी निकम्मा मूर्ख हो, कुरूप हो, कुबुद्धि हो, अपंग यानी कि पंगु हो, अंधा हो, गूंगा हो, जैसा भी हो, लेकिन वह उनका बच्चा है। और माँ सभी बच्चों के प्रति जैसा भी है, उनके दो तीन बच्चे हो तो भी वह अच्छा है बुरा है वैसी तरह तुलना वह कभी नहीं करती, उनके लिए तो सब बच्चे एक समान हैं। वैसी तरह उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, सबका लालन पालन पोषण सुरक्षा सब वह सब बच्चे को अच्छी तरह करती है। चाहे बच्चा बीमार हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, तब भी माता दिन रात उसकी अच्छी तरह देखभाल करती है, यानी कि उसकी मातृप्रेम की तुलना अप्रतिम, वह उसका कोई जोड़ नहीं मिलता। वैसी तरह पिता का स्नेह पितृप्रेम से, माता का प्रेम निस्वार्थ, जबकि पिता का प्रेम है तो वह स्वार्थ। पिता के प्रेम में कहा जाता है कि वह उसके बदले में उसका लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सुरक्षा सब कुछ करते हैं बच्चे के लिए, लेकिन उसके पीछे बड़ा होने के बाद उसका कोई निजी स्वार्थ होता है कि बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वह खुद घर गृहस्थी संभाले, मैं उस घर गृहस्थी की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊँ, मेरा लालन पालन पोषण कर, मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो बुढ़े की लकड़ी का सहारा बने, वैसी तरह की उनके मन में बदले की भावना होती है। जो कर्म किया है उसका बदला लेने की भावना उसके मन में होती है, वैसी तरह का उनका स्वार्थ होता है। अगर बच्चा कपूत निकलता है, निकम्मा निकलता है, कुछ काम धाम नहीं करता तो पिता उसे डांट फटकारते भी है और उसे घर से निकालने के लिए भी तैयार हो जाते, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए यानी कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो उसके लिए शिक्षा दीक्षा के लिए बेफिजूल खर्च करने के लिए भी वह पिता तैयार नहीं होता। लेकिन माँ माँ की ममता है, माँ की ममता में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं होती, वह ममता की एक अच्छी मूरत कि माँ की मूरत के आगे सब सूरत फीकी। माँ की मूर्ति भगवान की मूर्ति और भगवान की मूर्ति के आगे सब कुछ झूठा है, वैसी तरह माँ की मूर्ति के आगे भी सब कुछ झूठा है। और वह
माँ निस्वार्थ और स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को सद्गुणों का विकास करती। माता के पास से बच्चे को सदाचार, सद्भाव, सत प्रवृत्तियों की अमित छाप उसके बच्चे के चेहरे पर पड़ती है। माँ के सभी गुण उनके बच्चे में और उसके अलावा भी ज्यादातर गुण व गुणवान वैसी तरह की कामना माँ करती है। अगर माता का स्नेही बालक को मनुष्य यानी कि मानव, श्रेष्ठ मानस यानी कि मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्त, जैसे कहा जाए सभी प्रकार की शिक्षा देती है, तो उसके लिए कोटेशन कि एक माता, एक शिक्षित माता 100 शिक्षकों नी गरज सारे। 100 शिक्षकों ना ज्ञान उसकी माता, अकेली माता दे सकती है, उसे प्रोत्साहन करती, उसे उत्साहित करती। जैसे ध्रुव का एक उत्तम उदाहरण, और ध्रुव को ध्रुव व्रत दिलाने का कार्य, उत्साहित करने का कार्य है तो वह उनकी एक माता का है। शिवाजी के प्रोत्साहन के पीछे माता जीजाबाई का हाथ था। महात्मा गांधी को गांधी मोहन से महात्मा बनाने का श्रेय तो उनकी माता पुतलीबाई को। वैसी तरह दुनिया के श्रेष्ठ महापुरुषों के पीछे, दुनिया के महान पुरुषों के पीछे उनकी माता का हाथ, उनकी माता का नाम उससे भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि माता के स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, सदाचार, सद्गुण आदि प्रकार का ज्ञान उसे बचपन से जो दिया है तो उनकी माता ने दिया। इसी कारण वात्सल्य मूर्ति माता कहा जाता है, वात्सल्य का अकुट भंडार तो उनकी माता कहा जाता है। और उसी वात्सल्य के कारण देश, दुनिया, समाज में ऐसे नर बनके नर पुरुष, नर रत्नों की, नर रत्न का निर्माण जो किया है तो वह एक वात्सल्य मूर्ति माता ने किया है। और अगर अंत में कहा जाए कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वह बच्चा उसे त्याग दे, उसकी बुढ़ापे की लाठी न बने, बुढ़ापा का सहारा न बने, फिर वह माता के मुंह से उसके बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर वह उसके हाथों से कुछ काम निकले न निकले, कुछ भी हो जाए, बच्चा अपनी माँ के प्रति कुछ भी अनहोनी कृत्य करे, लेकिन माता कभी अपने बच्चों की कभी बुराई सोचती नहीं। और उसी के कारण कहा जाता है कि वात्सल्य मूर्ति का अटूट प्रेम, अटूट भंडार तो वह माता है। वैसी तरह की कोटेशन, वैसी तरह को संभाल कर, वह अच्छी तरह की कहानी, अच्छी तरह की बात लिख कर एक अच्छे प्रकार का निबंध हम लिख सकते हैं, जैसे मातृप्रेम माता का। वह 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, सभी कक्षा में यह पूछा जाए, वैसी तरह का एक अच्छा सा निबंध भी है। अस्तु, नमस्ते।